डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट की समाज की बुक है, सामाजिक दर्शन। आज हम आप लोगों को इसका सेकंड चैप्टर है वस्त्र। वस्त्र के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से, मतलब किस किस तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्र में जानते हैं आप लोग, कपड़े, क्लॉथ्स, इंग्लिश में क्लॉथ कहते हैं और हिंदी में कपड़े और वस्त्र कहते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, मतलब कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। हम सभी वस्त्र पहनते हैं। हम अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। मतलब पहले तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन किया गया है कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो इसका आंसर है, अगर कोई पूछे आप लोगों से कि आप वस्त्र क्यों पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं, तो आप बताएंगे कि हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमें धूप, हवा, वर्षा, धूल तथा सर्दी से बचाते हैं। मतलब कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो हमें धूप से, हवा से, बारिश से और धूल मिट्टी से और सर्दी में ठंडक से बचाते हैं। वस्त्रों से हम सुंदर तथा आकर्षक लगते हैं, ये हमारी मौलिक आवश्यकता है। हम ऋतुओं के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। मतलब कि ये जो हमारे वस्त्र होते हैं, ये इससे हम सुंदर और आकर्षक लगते हैं, मतलब कि अट्रैक्टिव लगते हैं और खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि ये हमारे जो, मतलब ये जो वस्त्र हमारे, ये हमारी मौलिक आवश्यकता है। और हमें ऋतुओं के अनुसार वस्त्र पहनते हैं, मतलब कि हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं, ठंडक में ठंडक के अनुसार, गर्मी में गर्मी के अनुसार और बरसात में बरसात के अनुसार कपड़े पहनते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, मतलब कि अलग अलग तरीके के वस्त्र कपड़े, हम भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि हम लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। गर्मी में सूती वस्त्र, सर्दी में ऊनी वस्त्र, वर्षा में बरसाती कोट, रेनकोट। गर्मी, आजकल तो गर्मी ही चल रही है और बरसात का भी महीना चल रहा है, मतलब कि बरसात वाली जो गर्मी होती है, बारिश वाली जो गर्मी होती है, आजकल वो चल रही है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सूती कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। और ठंडक में, सर्दियों के दिनों में ऊनी वस्त्र, गर्म कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं लोग, पहनते भी हैं। और बरसात के मौसम में, वर्षा में ज़्यादातर लोग रेनकोट वगैरह पहनते हैं, जब बारिश होती है उससे बचने के लिए, अपने कपड़ों को बचाने के लिए रेनकोट पहनते हैं। नंबर वन है, सूती वस्त्र हल्के होते हैं, इनमें गर्मी कम लगती है, तो साथ ही ये पसीने को भी सोखते हैं। तो जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के और मुलायम होते हैं और इनमें जो गर्मी हमारी होती है वो बहुत कम लगती है और साथ ही ये हमारे पसीनों को भी सोखते हैं। ऊनी वस्त्र शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, ये वस्त्र मोटे तथा गर्म होते हैं। मतलब कि जो हमारे सर्दियों में पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनसे उनमें ऊनी जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें गर्मी लगती है और ये वस्त्र जो होते हैं वो बहुत मोटे और गर्म होते हैं। हम वर्षा में बरसाती तथा छतरी का प्रयोग करते हैं। बरसाती तथा छतरी हमें वर्षा में भीगने से बचाती है। मतलब कि जो हमारा बारिश का मौसम चल रहा है, आजकल बारिश भी हो रही है, जब तो लोग क्या करते हैं, बरसाती में, बरसाती और छतरी का प्रयोग करते हैं। बरसाती में वही पॉलीथीन और छतरी में छाते का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और रेनकोट भी पहनते हैं। ऐसे पैकेट की तरह होता है ये, इस जो कि बारिश से भीगने से बचाता है। हम विभिन्न अवसरों पर अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। हम शादी या जन्मदिन की पार्टी में पार्टी के वस्त्र पहनते हैं। मतलब कि बताया जा रहा है कि हम लोग अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग त्योहारों पर, अलग अलग, मतलब जो महोत्सव वगैरह होते हैं उस पर अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। जैसे शादी वगैरह में आप बहुत ज़्यादा भारी, तड़कता भड़कता, मतलब खूबसूरत सा, चमकदार, ऐसा कपड़ा पहनते हैं। और जन्मदिन की पार्टी में थोड़ा, मतलब सिंपल सोबर रहता है, लेकिन
मतलब वो भी ब्रांडेड और अच्छा कपड़ा पहनते हैं लोग। बच्चे विद्यालय की यूनिफॉर्म वेशभूषा पहनकर जाते हैं। हम सोते समय नाइट ड्रेस पहनते हैं। जो व्यक्ति विशेष कार्य करते हैं वे भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। मतलब कि आप देख लें कि छोटे बच्चे, मतलब जो बच्चे होते हैं स्कूल के, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनका एक अलग यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है जो कि वो पहन कर जाते हैं। और सोते वक्त ज़्यादातर लोग सोते वक्त नाइट ड्रेस पहनते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, या आप देख लें मॉल वगैरह में जो लोग काम करते हैं, या वेटर वगैरह होते हैं, जो वो लोग अपना अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर, नर्स, वकील, डाकिया तथा पुलिस का सिपाही आदि भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमें हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक जो बच्चा स्कूल जा रहा विद्यार्थी है, मतलब स्कूल का विद्यार्थी है, तो वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है स्कूल का। ये जो डॉक्टर हैं ये डॉक्टरी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। ये जो नर्स है, नर्स का भी अलग यूनिफॉर्म होता है। और वकील, वकील का भी अपना अलग यूनिफॉर्म होता है, ब्लैक कोट ब्लैक पैंट होती है और वाइट शर्ट होती है। सिपाही जो हमारे पुलिस होते हैं, देश के सिपाही जो होते हैं, उनका अलग यूनिफॉर्म होता है। तो सब अपना अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। और कहा जाता है बच्चों हमें हमेशा साफ सुथरे और स्वच्छ वस्त्र ही पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। तो आपका जो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वस्त्र कई तरीके के होते हैं और अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं एंड मतलब डॉक्टर वगैरह, नर्स, सबका अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पर कम्प्लीट हो रहा है। आप लोग इसको रीड करें एंड समझें।